संदेश खाली मामले में बंगाल की ममता सरकार को झटका। सीबीआई जांच के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई। हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। कोर्ट ने कहा, क्या किसी को बचाने की हो रही है कोशिश। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। हेमंत के पक्ष में पड़े 45 वोट। विपक्ष ने नहीं की वोटिंग। आज शाम होगा मंत्रिमंडल विस्तार। झारखंड में फ्लोर टेस्ट पर विपक्ष का नेता उमर कुमार बाउरी का हेमंत सोरेन पर निशाना। कहा, यह महागठबंधन का अंतिम फ्लोर टेस्ट है। जनता हेमंत को छोड़ चुकी है। जनता का मन नहीं जीत पाएंगे हेमंत। रूस ऑस्ट्रिया के दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। 5 साल बाद पीएम मोदी का रूस दौरा। बोले, मित्र पुतिन से द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा को हूं उत्सुक। भारतीय समुदाय के लोगों से करूंगा मुलाकात। मणिपुर और असम दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राहत कैंप में जाकर के हिंसा पीड़ितों से मुलाकात। राहुल के मणिपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, राजनीतिक यात्रा करने की आदत है। पश्चिम बंगाल पर कुछ नहीं बोलते राहुल। मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह का राहुल के दौरे पर हमला। कहा, अभी हालात बेहतर हैं। कोई फालतू की बयानबाजी ना करे। आग में घी डालने का काम ना करें। राहुल के दौरे को लेकर के कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे का पीएम पर हमला। बोले, पीएम रूस का दौरा कर सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते हैं। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं राहुल। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर के कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान। राहुल को बताया जननायक। बोले, राहुल गांधी जननायक के रूप में खड़े थे और खड़े रहेंगे। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश हुआ। अलमारी में बनाया गया था छिपने का ठिकाना। पिछले हिस्से में बनाया था बंकर। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिला ठिकाना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल सेना के कैंप पर फायरिंग हुई थी। आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। हाथरस भगदड़ पर यूपी पुलिस का एक्शन। साकार हरी के दो और सेवादार गिरफ्तार हुए। भगदड़ के वक्त सत्संग में मौजूद थे। मुख्य आरोपी देव प्रकाश को रिमांड पर लेने की तैयारी। यूपी के सरकारी स्कूलों में आज से अनिवार्य हुई ऑनलाइन हाजिरी। नए नियम के खिलाफ प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का विरोध। काली पट्टी बांधकर स्कूल पहुंचे शिक्षक। बोले, पहले मांगे पूरी हो फिर डिजिटल हाजिरी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा में दिखा भक्तों का सैलाब। रथ खींचने के लिए उमड़े श्रद्धालु। भक्तों ने जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। 53 साल के बाद दो दिनों तक चल रही है ये रथ यात्रा। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में रोडवेज की बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ। बस पलटने से 50 स्कूली बच्चे घायल हुए। पंचकुला के अस्पताल में भर्ती। बस का ड्राइवर और कंडक्टर सस्पेंड। राजस्थान के जयपुर में सवारियों से भरी रोडवेज बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत। 20 यात्री घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के राजगढ़ में खड़े कंटेनर से टकराई का 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बताए गए 3 मृतक। एमपी के नर्मदापुरम में कार ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई। बाइक के गलत साइड से आने से हुआ यह बड़ा हादसा। ताबड़तोड़ फायरिंग से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दहशत। 2 दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने चलाई गोलियां। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों का पता लगाने में जुटी पुलिस। भारी बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार। रेल ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन सर्विस ठप हुई। जलभराव से निचले इलाकों में ट्रैफिक जाम। लोगों की बड़ी परेशानी। 24 घंटे में भारी बारिश की भी चेतावनी। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। विलेपार्ले में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। सब्वे के अंदर भी भरा पानी। लोगों को सड़क पार करने में हो रही परेशानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश का खौफनाक वीडियो। रायगढ़ किले में तेज बारिश से फंसे लोग। किले की सीढ़ियों पर बहता देखा पानी का सैलाब। किसी तरह बचाई गई जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा। पुंछ राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद हुई। बिहार के जमुई में भ्रष्टाचार की खुली पोल। पहली बारिश में सड़क हुई धराशायी। 3 महीने पहले 1 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। पिथौरागढ़ दिल्ली बैंड के पास पहाड़ से गिरा मलबा। रोड के दोनों साइड फंसे 45 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को निकाला सुरक्षित। सरकार ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पंजाब के गुरदासपुर में पानी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाई गोलियां। 4 लोगों की मौत। कई लोग घायल। बिहार के पटना में चोरों का आतंक। अंधेरे का फायदा उठा करके दुकान का शटर तोड़कर चोरी की है। 20 लाख का सामान लेकर के फरार हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड।
एमपी के छतरपुर में नशे में धुत होमगार्ड का वीडियो वायरल, एक घंटे तक सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, हाथ में डंडा लेकर के बस में घुस करके बैठा। गाजियाबाद में व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना का खुलासा, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, लूटी कार भी बरामद की गई। इटली के सिसली में ज्वालामुखी विस्फोट, आसमान में फूट रहा लावा का फव्वारा, रात के अंधेरे में दिखाई दी लावा से निकलती लपटें, विस्फोट के बाद आसमान में उड़ता नजर आया लावा। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में सैन्य ठिकानों पर 9 बार किया हमला, हिजबुल्ला का दावा, हमले में कई इसराइली सैनिक घायल, 2 की मौत। इसराइल के तेल अवीव में हजारों लोगों ने रैली निकाली है, बंधकों को वापस लाने और युद्ध विराम समझौते की मांग की गई है, प्रदर्शन के दौरान लोगों ने की आगजनी। चीन में भारी बारिश से उफान पर बह रही है नदियां, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से एलआईसी को हुआ जमकर के फायदा, टॉप कंपनियों में एलआईसी का निवेश 37% से ज्यादा बढ़ा, निवेश बढ़ने से कंपनी को हुआ करोड़ों का फायदा। देश में एफएमसीजी मार्केट में बढ़ोतरी की संभावना, इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल जून तिमाही में भी लाभ की उम्मीद है, सामान बनाने वाली कंपनियों को लाभ की उम्मीद। पैकेट बंद खाने के सामानों पर बोल्ड अक्षर में लिखना होगा नमक चीनी की मात्रा, नियम के खिलाफ एफएसएसएआई के पास जाएगी कंपनियां, एफएसएसएआई के पास उठाएगी ये मुद्दा। देश में दवाई के कारोबार में हो रही है बढ़ोतरी, जून के महीने में दवाई के कारोबार में करीब 9% की देखी गई तेजी, 2023-24 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ दवाई का कारोबार। पंजाब एंड सिंध बैंक ने देश के अलग अलग राज्यों में किया 100 नए ब्रांच खोलने का ऐलान, 100 नए एटीएम जोड़ने की भी योजना। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर की शादी की कुछ तस्वीरें, पोस्ट कर लिखा अब वो अपने घर को मिस कर रही है, फोटो में वो अपनी मां के साथ गले मिलकर रोती हुई भी दिखाई दी। सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी पर हुए विवाद पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बड़ा बयान, कहा वो अपने परिवार पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि जहीर उसे खुश रखेगा। म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर कैलाश खेर का आज 11वां बर्थडे, बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे पर कैलाश खेर ने अपने मुश्किल सफर को किया याद, कहा मुंबई में आसानी से कोई किसी का हाथ नहीं थामता। बिग बॉस ओटीटी के अरमान मलिक ने शो के दौरान विशाल पांडे को थप्पड़ मारा, विशाल ने अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक पर दिया था विवादित बयान, शो के होस्ट अनिल कपूर ने लगाई फिर फटकार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोड़ी मुंबई वापस लौट आए हैं, करीब 2.5 महीने बाद मुंबई लौटे हैं, मई के महीने में अचानक घर से हुए थे लापता, पुलिस ने कई दिनों तक उनकी तलाश की थी लेकिन खुद घर वापस लौट आए सोड़ी। Z News.